Hello students, welcome back, I am Payal. In social science, now we are learning social science unit number 3, National Festival. I already taught in first videos about importance of the festivals, national festivals. If you not watch that video, so should watch and first learn about the basics and beginning then this is the part 2 this part 2 video the republic day so students we are celebrating republic day every year in school yeah so do you know about this yeah the republic day celebrating in 26 january is called republic day okay so 26 january is the republic day of the india on this day nineteen fifty India yeah India become a democratic republic. Democratic republic means a state in which power is held by people and their representatives and which has a president it is. स्टेटस ऑफ द कंप्लीट फ्रीडम सो वाई वी आर सेलिब्रेटिंग रिपब्लिक डे स्टूडेंट बिकॉज ऑफ दिस इन इंडिया बिकम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री ओके सो यहां पर आज के दिन क्या होता है जो लोगों के द्वारा बनाए गए लोग वो शासन कर कर अपना स्टेट को जो चलाते हैं सो so, यहाँ पर स्टेट को एक अपनी खुद की ओन पावर मिल चुकी थी हर स्टेट को और लोग रूल कर रहे थे चला रहे थे प्रेजिडेंट होस्टेज द फ्लैग ऑफ रिसीव द्रांड ऑफ हॉनर फ्रॉम द आर्मी नेवी एयरफोर्स पोलिस एंड एन सी सी कैंडिडेट्स सो यहाँ पर क्या होता है फ्लैग होस्टिंग होती है और हमारे जो आर्मी जवान होते हैं नेवी होती है एयरफोर्स होती है पोलिस होती है यहाँ पे एन सी सी के कैंडिडेट्स होते हैं अ गार्ड परेड इज हेल्ड एज विजय चौक इंडिया गेट इन न्यू दिल्ली यहाँ न्यू दिल्ली पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे एनसीसी गार्ड्स है देन नेवीज है एयरफोर्सेज है सब कुछ इस पिक्चर में है और यहाँ पर है कॉमन पब्लिक भी है जो कि क्या देख रही है आ, ये जो कुछ भी कार्यक्रम हो रहा है रिपब्लिक डे पर देख रही है तो यहाँ पे रोड शो किया गया है और इस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है ये रेड फोर्ट है तो ये कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है इतने बड़े तरीके से विजय चौक इंडिया गेट इन न्यू दिल्ली वेपन्स टैंक्स एंड फाइटर प्लेन्स इन आल्सो डिस्प्लेड इन फोक

देन डूइंग डांस चिल्ड्रन चिल्ड्रेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड देन नेवी आर्म फोर्सिस पोलिस जवान सैनिक ये सब कुछ क्या करते हैं रोड शो करते हैं और जो हमारा जो पावरफुल मिसाइल्स ब्रह्मास्त्र ये सब कुछ हमें इसमें देखने मिलता है जो हमारे सारे सिम्बॉल्स हैं नेशनल सिंबल अशोक चक्र uh, और जो परेड में हॉर्स uh, एलिफेंट ये सब कुछ भी यूज किया जाता है अवार्ड फॉर देयर ब्रेवी इज ऑल्सो गिव एलिफेंट राइड सो यहाँ पे क्या होता है जो बच्चे बहादुरी का अवार्ड गिनते हैं जो ब्रेव चिल्ड्रंस होते हैं जिन्होंने कुछ किया है उन्हें भी एलिफेंट के ऊपर राइड कराया जाता है बैठा के देन स्टेट वाइड कल्चर इवेंट विल बी पुट ऑन शो इन दिस प्रोग्राम रिपब्लिक डे परेड्स आर ऑल्सो हेल्ड इन ऑल स्टेट कैपिटल्स और ये कहाँ किया जाता है हर स्टेट में भी सेलिब्रेट किया जाता है एग्जाम्पल गुजरात महाराष्ट्र यूपी एम पी है ना तो ऐसे स्टेट्स में हर स्टेट में एवरी स्टेट्स में सेलिब्रेट किया जाता है हेयर द गवर्नर ऑफ ईच स्टेट टेक्स टेक्स दल्यूट द रिलीजियस फेस्टिवल अब आता है तो हमारे जो नेशनल फेस्टिवल है टू नेशनल फेस्टिवल इज द वेरी बिग फर्स्ट इज द इंडिपेंडेंस और सेकेंड इज द रिपब्लिक डे रिमेंबर स्टूडेंट्स ओके टू ने फेस्टिवल्स वन इज द इंडिपेंडेंस और सेकेंड इज द रिपब्लिक नाउ I'm telling about the religious festivals. Religious festivals means dharmic. Example Hindu Muslim Sikhs are celebrating the festivals. So which one celebrating? Let's see. Religious means dharmic. In India, we have different religions. There are Hindus, Muslims, Sikhs. जेंस बुद्धिस्ट आर मैनी अदर एवरी रिलीजन्स हैज़ इट्स ओन फेस्टिवल्स सो हमारे जो इंडिया um, में हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चन जेंट्स बुद्धिज़्म दिस टाइप्स ऑफ द मैनी रिलीजन्र लिविंग इन इंडिया सो एवरी वन हैव ओन फेस्टिवल्स है ना उनके खुद के त्योहार है लेट्स नो अबाउट सम रिलीजियस एंड सोशल फेस्टिवल्स ऑफ अवर कंट्री सो चलो मैं आज आपको हम पता करते हैं कि कौन से जो फेस्टिवल्स है वो हिंदूज मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस में मनाते हैं और जैन में यहाँ पे दिया गया है दशहरा Dashara is the celebrate in memory of Rama's victory of, over <coughs> our Ravan, the ten-headed demon. So Dashara. dashara we celebrate karte students because of this day in Dashara. जो राम जी होते हैं उन्होंने विक्ट्री यानी कि जीत हासिल की थी किस पर रावण पर है ना इस दिन रावण का दहन हुआ था और सच सत्य की जीत हुई थी इसलिए हम दशहरा सेलिब्रेट करते हैं ये हिंदू लोगों का बहुत ही बड़ा त्यौहार है दिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड फॉर टेन डेज और ये कितने दिनों तक के मनाया जाता है पूरे दस दिनों तक के मनाया जाता है रामलीला रामायण स्टेज फॉर दी नाइन डेज ऑन दी टेंथ डे इफिजियस ऑफ रावण रावणास कुंभकरण एंड मेघनाथ आर बर्न सो so यहाँ पर जो जिस दिन रावण दहन होता है उस दिन रावण के साथ साथ किसी किसे जलाया जाता है जो रावण के ब्रदर हाँ रावण के साथ कुंभकरण को जलाया जाता है जो कि रावण के ब्रदर थे और मेक नाद ऑल्सो बर्न सो तो इन तीनों को जलाया जाता है अगर आपने दशहरा में रावण दहन देखा होगा तो आपको तीन पुतले दिखते होंगे तो तीन पुतलों में जिसके दस सर होते हैं

मार्क्स अ विक्ट्री ऑफ गुड आवर इवेल सो विक्ट्री ऑफ गुड आवर इवेल तो ये क्या है जो दशहरा हम किस लिए मनाया जा, मनाय जाता है uh, जो सच्चाई पर uh, सॉरी uh, सत्य की जीत होती है, है ना अधर्म पर सत्य की धर्म की जीत होती है इसलिए हम इसे मनाते हैं दशहरा को और इसे देखने के लिए थाउजेंड्स ऑफ पीपल जाते हैं है ना इसे देखने के लिए और बिग बिग ग्राउंड्स में ऐसे शोज मनाए जाते हैं इन वेस्ट बंगाल सो इन वेस्ट बंगाल और गुजरात इन सम अदर स्टेट इट इज़ सेलिब्रेटेड एज अ दुर्गा पूजा सो so, जो बंगाली लोग होते हैं और गुजराती लोग होते हैं इन लोग बहुत ही ज़्यादा धूम धमाके से क्या सेलिब्रेट करते हैं दुर्गा पूजा दुर्गा दुर्गा माँ हिंदूज गॉड ओके स्टूडेंट पीपल मेक अ बिग आइडियल ऑफ़ द गॉड इज दुर्गा फॉर नाइन डेज दे वर्शिप दिस आइडियल ऑन टेंथ डेज द आइडियल आर सुम हा, और हाँ इन इन रिवर दी सिया तो यहाँ पर क्या होता है जो बंगाली लोग होते हैं और गुजराती लोग होते हैं ये नौ दिन तक के माँ दुर्गा माँ की पूजा करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से आइडियल बहुत ही धूम धमाके से करते हैं और ये इन्हें अपना सब कुछ मानते हैं है ना लाइक like आइडियल और फिर ये इनकी पूजा कर कर इन्हें आ, विदा भी कर देते हैं एक तो रिवर पे कर देते हैं या फिर सिया पे कर देते हैं जिसे सिराना बोलते हैं देन हिंदू फेस्टिवल बिग फेस्टिवल इज द दिवाली दिवाली इज ऑल्सो कॉल्ड दीपावली दिवाली को दीपावली भी बोलते हैं विच मीन्स द रॉ ऑफ लाइट इट इज द बिलीव दैट लॉर्ड कृष्णा एंड हीट सत्य भामा किल्ड नरसुरा और नरकाम chaturdashi and people celebrated diwali on the following days people decorate their house with diyas and candles childrens enjoy burning crackers on this occasion business people worship goddess lakshmi and start new account book on this day तो दीपावली के दिन क्या होता है दीपावली एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है जिसमें जो यहाँ पे थोड़ा अलग दिया गया है बट जो हमारे लॉर्ड होते हैं राम जी वो अयोध्या आते हैं इसलिए उस दिन धूमधाम से पूरा डेकोरेट किया जाता है विद दी हेल्प ऑफ लाइट लैंप्स दिए है ना सो so, दीपावली वॉइस कॉल्ड दीपावली कॉल्ड बिकॉज ऑफ दी फेस्टिवल ऑफ़ लाइट और इस दिन महालक्ष्मी माँ की पूजा करके गॉड की और जो बिज़नेस पीपल है जो बिज़नेस करते हैं जैसे किसी की शॉप हो गई किसी का खुद का बिजनेस हो गया तो उन लोग क्या करते हैं न्यू अकाउंट बुक से दिन स्टार्ट करते हैं और इस तरीके से बच्चे स्वीट्स खाते हैं मिठाइयाँ बनाते होम डेकोरेट करते हैं क्रैकर्स यानी कि पटाखे फोड़े जाते हैं और इस तरीके से बच्चे बड़े धूमधाम से दीपावली सेलिब्रेट करते हैं इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल अबाउट मुस्लिम पीपल्स हाउ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स and christian and others okay so like share and subscribe and support me all the best for exam learn more take care